जय श्री राम मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे आप सभी, स्वागत करता हूँ एक और न्यू व्लॉग में। इस व्लॉग में फिर मैं आप लोगों को लेके आया रानीताल 4 नंबर गेट पे, जहाँ पे बनाई जा रही है 51 फीट की दुर्गा प्रतिमा। ये देखो यहाँ पे माँ दुर्गा उत्सव समिति, यहाँ पे 4 नंबर गेट पे लेके आया हूँ आप लोग को। भाई आज है पंचमी का दिन और आज के दिन यहाँ पे देख सकते कितना जाम लग रहा है, कितनी भीड़ लग रही है। तो जो भक्त हैं लगातार आ रहे हैं, इतने टाइम बज रहा है लगभग रात का डेढ़ बजे रात का। ये माहौल है यहाँ का, बहुत खूबसूरत माहौल है, आप लोग को ज़रूर आना चाहिए। और मेरे को एक अपडेट मिला है वो मूर्ति के बारे में कि कितनी कंप्लीट हो गई है और कब स्थापना है, तो थोड़ा मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो चलो पहले आप लोग को देवी जी के दर्शन करवाता हूँ, देन उसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि क्या अपडेट है। तो डेकोरेशन बहुत सुंदर की गई है यहाँ पे, और जो ये मेन गेट है यहाँ से आप लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 2 गेट बनाए गए हैं, ठीक है, 2 एंट्रेंस है। एक तो यहाँ पे आइए पूछते हैं, दो अलग अलग क्यों है, पर 2 एंट्रेंस क्यों है सर? लेडीज अलग जेंट्स अलग। अच्छा, लेडीज अलग और जेंट्स अलग, और एक वहाँ पे बैरिकेडिंग बीच में है, वो क्यों है? अच्छा, अभी बनाएंगे, जेंट्स अलग करेंगे, जेंट्स के अलग करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो वहीं से वापस। अच्छा, यहाँ से, ओ ठीक है ठीक है, ये बहुत अच्छी जानकारी है। तो हाँ जी, हाँ यहाँ पे बहुत भीड़ मचने वाली है, हाँ यहाँ पे बहुत भीड़ मचने वाली है जी जी। तो आइए आप लोग को मैं प्रतिमा दिखाता हूँ बिना देरी के। आज अष्टमी का दिन है और आज से ही कितनी ज्यादा भीड़ लगने लगी है। मूर्ति के बारे में आप लोग को मैं अपडेट देने वाला था कि कब से ये देवी जी की प्रतिमा स्थापित होगी। रात में 8 बजे माता जी की स्थापना है, तो ये अभी हमको यहाँ पे आके पता चला है, आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पता चल रहा होगा, कल ही के दिन पता चल रहा होगा। वो जो शेर है वो उसका फेस वगैरह सब बन गया, शेर में लगभग काम खत्म है भाई, पूरा बन चुका है। और माता जी की प्रतिमा में भी जो कलरिंग का काम था, श्रृंगार का काम था, वो चल रहा है थोड़ा बहुत, और मेन फेस का काम चल रहा है जो कि ढक के रखा गया, अभी दिखाया नहीं गया। ये देख सकते हो, मैं जूम करके दिखाया, फेस का काम थोड़ा सा बचा है, बाल वगैरह मेरे को लग रहा है कि लग रहे हैं धीरे धीरे, फेस का काम भी डन है, रात भर में ये काम हो जाने वाला है। आइए माता जी के पैर वगैरह दिखाता हूँ मैं आप लोग को थोड़ा और पास से, और माहौल आप लोग को बता ही रहा हूँ। अभी से आज पंचमी का दिन है, आज से यहाँ पे पूरी की पूरी भीड़ जम रही है, लेकिन पंचमी के आज षष्ठमी चालू हो चुकी है। आज पंचमी थी, अभी रात के 1 बज रहे हैं, यानी कि आज षष्ठमी का दिन चालू हो चुका है। माता जी के पैर देखिए भाई, कितने खूबसूरत है। माता जी के पैरों में ना जितनी श्रृंगार करना था वो भी कर दिया गया है, और बहुत सुंदर माता जी के पैर बनाए गए हैं। ये वाला जो पैर है बहुत सुंदर बना है, इस तरफ का भी पैर आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर बना है। और अभी जस्ट मूर्ति के नीचे खड़ा हूँ तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ही विशाल ये प्रतिमा है, क्योंकि इस तरफ शेर का मुँह है और इस तरफ देख सकते हैं पैर वैर जो है, पूछ वूछ है, सब कुछ ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। तो शेर के नाखून दिखाता हूँ थोड़ा सा आप लोग को मैं, ये देखो यहाँ पे ये शेर के नाखून देखो, वाह यार गजब, एक नंबर, बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई गई है। मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग आके दर्शन जरूर लीजिएगा। माता जी के पैर देखिए यार, क्या ही आकार है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाई गई है हमारे जबलपुर में, तो ये देखिए दर्शन कर लीजिए अभी। तो भाई लोग, मैंने एक लकी ड्रॉ लिया था यहाँ पे, ये हमारी जो दुर्गा उत्सव समिति की तरफ से एक लकी ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें कि वो मैंने बताया ना कि एक कार है, एक ई रिक्शा है और स्कूटी वगैरह है। तो देखते हैं 27 तारीख को हमारे इसका नंबर निकलने वाला है, तो देखते देवी जी की तरफ से निकलेगा तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। ये नवरात्रि मेरी बहुत ही खूबसूरत जाने वाली है, तो क्या लगता है निकलेगा? क्या लगता है निकलेगा? तो कैसा लगा आप लोग को ये वाला व्लॉग, मुझे कमेंट में देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग को मिलता हूँ एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय माता दी।